नवा पारोल कौशिकी कुमार विके मंदा अने नना बालाघाट डिस्ट्रिक्ट नार परसवाड़ा सुकड़ीतल वायतोना अने नव प्रदेश मध्य प्रदेश मंदा। मैं अपना जो इंट्रो है ये गोंडी में इसीलिए दिया है क्योंकि मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि क्योंकि छोटा सा संदेश ये कि जो हमारे पास हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम कहीं पे भी अपने वेशभूषा के माध्यम से दिखा देते हैं, परंतु बात जब आती है कि किसी एक सॉलिड चीज की, क्योंकि परिवेश जो हमारा वेशभूषा है उसे कोई भी कॉपी कर लेता है, परंतु जो हमारी भाषा है उसे कॉपी करने का किसी के पास उतना टैलेंट नहीं हो पाया है। जो कि कोयतुरियन के पास है वो टैलेंट आज तक किसी और के डीएनए में हुआ ही नहीं है, तो वो भाषा को कॉपी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं गोंडी का, क्योंकि गोंडी एक विलुप्त भाषा या बोली में आ गई है, तो हम उसका संरक्षण क्यों ना करें। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के सभी लोग इस चीज़ के लिए प्रण लें और गोंडी भाषा को आगे बढ़ाएं। पारसी पाना पारसी जिसे कहा जाता है, उस भाषा को हम सीखें और लोगों को बताएं। इसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि 13 और 14 तारीख राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा ऑनलाइन चालू है कोविड-19 के कारण। तो कोविड-19 के कारण हम लोग ऑनलाइन आए हैं, सभी हम सभी लोग जान रहे हैं। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए हमारे दादा आरडी दादा, हमारे संबल दादा, हमारे राष्ट्र कार्यकारिणी, हमारे कमलेश दादा, इन्होंने अथक प्रयास किया है। मैं इन्हें सादर सेवा जोहार करता हूं और इनके प्रयासों को हम सब लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे, यह एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे कि 2 दिन से मैं कार्यक्रम को पूरा वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि सभी लोग समाज, शिक्षा, संस्कृति, एजुकेशन के बाद फिर व्यापार, सभी जगहों पे, सभी विषयों पे बोल चुके हैं, मेरे पास क्या विषय बचता है। तो मैंने एक विषय चूज़ किया कि भाई इतना सब कुछ जो हो रहा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मैं उस विषय में बात करता हूँ। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के समक्ष में गोटुल व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। यह मैं एक चीज़ आपको कोट करना चाहूँगा कि ये गोटुल है ना कि घोटुल। सभी लोग इसे, जो बाहर के हैं, जो अन्य भाषाओं वाले हैं या फिर और पढ़े लिखे, जो किताबी पढ़े लिखे कीड़े लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इसको गोटुल को घोटुल कर दिया गया। तो प्लीज़ आप लोग इसे जानें और आप लोग और इस पर अध्ययन करें और इसे गोटुल ही पढ़ें और जानें गोटुल के बारे में। तो मैं सर्वप्रथम गोटुल के बारे में बताना चाहूँगा कि गोटुल दो शब्दों से मिलकर बना है, गोधन टुल, है ना। तो गो का मतलब ये होता है ज्ञान और टुल का मतलब होता है स्थान। यह हम नॉर्मली इसके बारे में सुने हैं, लेकिन इतना विस्तार में आज जितना विस्तार में मैं बताऊँगा आपको, उतना विस्तार में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। और गोटुल की बात की जाए तो गोटुल एक अथाक सब्जेक्ट है, मतलब एक विषय ऐसा है जिसके बारे में आप 30 दिन कंटिन्यू बात करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसा विषय है, लोगों को पूरी युवा अवस्था तक गोटुल को समझने में और जानने में लग जाता है, तो हम 10 मिनट के कार्यक्रम में से नहीं समझ पाएंगे। पर इसके बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। गोटुल एक शिक्षा का केंद्र है, पारंपरिक शिक्षा का केंद्र है, जो कि हमारे ट्राइबल मतलब कोयतुरियन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। परंतु आज के समय पे ये थोड़ा सा हमारे बीच से विलुप्त हो गया है। किस कारण से? क्योंकि बाहरी जो भी हमारे आक्रमणकारी जो भी आए हैं, उनके द्वारा सबसे पहले इन्हीं पर हमला किया गया, वैचारिक रूप से या फिर हथियार के रूप से, जिस भी रूप से किया गया, लेकिन ये हमला किया गया। तो इस कारण से हम इस व्यवस्था को भूल रहे हैं। तो ये एक संरचना होती है, ग्राम के बीच में होती है, मतलब एक कबीले के बीच में होती थी ये संरचना, जो कि एक ग्राउंड के जैसे होती थी। चारों तरफ से उसमें लकड़ियों से बाड़े बनाए जाते थे और उन बाड़ों के बीच में गोटुल का संरचना होता था, या एक कमरा होता था, हॉल टाइप का होता था, बरसात वगैरह से बचने के लिए, ताकि वो निरंतर उसको कंटिन्यू कर सकें गोटुल को। तो ये चीज़ होती थी मैदानी रूप में और कमरों के रूप में। ये एक ऐसा शिक्षा का केंद्र था जिसमें
जिन जिन जगहों पे नौकर बनाने के लिए या बनने के लिए पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, इस जगह पे स्वालंबी, स्वालंबन के कैसे बने, स्वालंबी किस तरीके से बने, उस तरीके से उस चीज को पढ़ाया जाता था गोटुल में। आप लोग को जान के खुशी होगी कि जैसे हमारे जीवन में सहायक जो चीजें हैं, नॉर्मली ले लीजिए आप, हाँ ये खास तौर से पुरानी पद्धति है, तो ये पुराने रूप में किस तरीके से संचालित की जाती थी। तो मैं आपको एक छोटा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, बैगा, बैगा जिसे बोला जाता है, उसे क्या ज्ञान था, ओझा, गाय की, ये एक नार व्यवस्था है, नार व्यवस्था के अंतर्गत पे ही यही ये पूरी चीजें नार व्यवस्था के अंतर्गत पे आती है। तो उस टाइम पे भाई ये चीज होती थी कि जो व्यक्ति उस कबीले में रहता था, तो हर किसी का काम डिवाइड था, मतलब जो जिसका जिस तरीके से इंटरेस्ट है वो उस तरीके के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उस गोटुल में जाके उस चीज को सीखता था। और जो वहाँ के स्थायी सदस्य होते थे, वो स्थायी सदस्य उनको वहाँ पर वो चीज को सिखाते थे। तो उस जगह पे जैसे बैगा हो गया, या ओझा हो गया, या फिर अपने गाय चराने वाले जो अपने हो गए, इन सभी को उस तरीके की लगभग उस प्रकार की शिक्षाओं को सिखाया जाता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई गोटुल आप बोल रहे हो, ये हमारी संस्कृति में है, तो ये हमारी व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था आज तक हमें दिखी क्यों नहीं। सबके मन में ये क्वेश्चन आता है, मेरे भी मन में आया था, मैंने भी जानने की कोशिश किया। तो इसका एक उदाहरण ये है, या फिर मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि ये कोयतुरियन संस्कृति की जो मुख्य तीन जो हमें बताए जाते हैं, टुंडा, मंडा और कुंडा, है ना, ये जो तीन व्यवस्थाएं बताई जाती है, उनमें से टुंडा और मंडा के मध्य की ये व्यवस्था है। इसे मैं आपको समझा देता हूँ। टुंडा अर्थात जन्म के समय की जो व्यवस्था, जन्म के समय के जो कार्यक्रम होते हैं, जन्म लेने के बाद जो हम प्रक्रिया करते हैं, मंडा अर्थात जो मर्मिंग कार्यक्रम होता है, शादी का कार्यक्रम होता है वो, और कुंडा मतलब मृत्यु के बाद जो हम लोग पेन में जो हमारी जो पेन शक्ति है, वेन रहते हैं, हम उनको पेन में सम्मिलित करते हैं, वो व्यवस्था होती है। तो ये जो टुंडा और मंडा के मध्य का जो कार्यकाल रहता है, मतलब जन्म से लेके शादी तक के बीच का जो कार्यक्रम होता है, वो सारा कार्यक्रम गोटुल व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हम लोग इस चीज के बारे में कैसे जानेंगे कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा, आज के समय की जो शिक्षा हो गई है, माध्यमिक शिक्षा, फिर हाई स्कूल, फिर उच्च, जो ये चीज है, ये टुंडा और मंडा के बीच में गोटुल के द्वारा कोयतुरियन संस्कृति में आज से 5,000 साल पूर्व ये चीज को सिखाया जाता था। किस चीज, ये जो हमारे बाहरी लोग आए हैं उनके पहले से व्यवस्था है। आज की जो भी एजुकेशन सिस्टम है, ये इसी का कॉपी पेस्ट है। आपको मैं और विस्तार से जब बताऊंगा तो आप इसको समझेंगे और मानेंगे भी। हाँ, ये बात आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये गोंड जनजाति, या फिर बैगा जनजाति, या फिर प्रधान जनजाति इन्हीं सीमित होगी, तो मैं बताना चाहूंगा कि नहीं, ये समस्त कोया मुरी द्वीप के समस्त समस्त ट्राइबल जो कबीलों में रहते थे, उन जगहों पे यह व्यवस्था थी। जैसे कि हम देखें, उराव में धूमकड़ियां बोला जाता है, धूमकुड़िया करके आप सर्च करेंगे तो गूगल यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। मुंडा जनजाति गीती ओना करके होता है उनका, धनगर बस्सा होता है, ये सब गोटुल हैं। गारो खासी जो नॉर्थ ईस्ट की है, वहाँ मोरूंग कहा जाता है, जैसे मो को ज्ञान और रूंग मतलब स्थान। तो यह मोटा मोटा एक बाहरी संरचना है। आइए हम जानते हैं इसके आंतरिक संरचना के बारे में। गोटुल संस्कार जो है हमारा, प्रारंभिक संस्कार केंद्र है गोटुल, ये एक वैदिक काल से भी पुराना है। मैंने जैसे भी आपको शुरू में कहा कि जो हमारे आक्रमणकारी हैं उनके पूर्व से संरचना संचालित हो रही है, तो ये एक वैदिक सभ्यता जो हमारी, हमारे इतिहास के पन्नों में हम लोग को जो पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, उससे पहले की यह सभ्यता है। तो ये उससे पहले की सभ्यता का अर्थ ये है कि भाई हम लोग यहाँ पे मूल रूप से निवास रहते हैं, और यहाँ प्रकृति के साथ हमने जीना सीखा है। हम लोग किसी को कॉपी पेस्ट नहीं, हमने इन्हीं प्रकृतियों से सीखा है। तो ये वैदिक काल से पुरानी सभ्यता है। और सर्वप्रथम क्या है, ये एक रूप से सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के रूप में हम लोग ने इसे तैयार किया था, एजुकेशन सिस्टम के रूप में तैयार नहीं किया था। हम लोग धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़े। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रमबद्ध किस तरीके से आगे बढ़े, ये हमने कॉपी नहीं किया है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारा अभी का सिस्टम है वो अचानक से आ गया कि भाई प्राइमरी आप कर लीजिए, फिर उसके बाद माध्यमिक कर लीजिए, हायर कर लीजिए, वैसा नहीं। हम लोग का जो था, 4 स्टेप में हम लोग का गोटुल व्यवस्था जो है, हमारी व्यवस्था वो हमारे प्रचलन में आई थी। वो कैसे व्यवस्था आई थी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट व्यवस्था जो थी हमारी, सुरक्षा के लिए, अर्थात जब हम लोग
अलग अलग रहते थे जंगलों में, हम लोग एक रूप होके रहने लगे, चार पांच बस्तियों, चार पांच घर, 10 घर, 20 घर, ऐसे हम लोग घर बना के कबीलों के रूप में रहने लगे। उस टाइम पे जो जंगली जानवर थे, जंगल बहुत घना रहता था, कुछ एरिया को हम लोग काट के अपना एरिया डिसाइड कर लेते थे कि हम लोग का कबीला यहाँ रहेगा। तो उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो बीच में, गांव के बीच में एक ग्राउंड टाइप या एक हॉल टाइप का एक निर्माण करते थे, जो कि सुरक्षित बाड़े से होता था, लकड़ी के चारों तरफ से बाड़ा होता था, और उस जगह पे जो युवा वर्ग होता था वो वर्ग वहाँ पे रखवाली करता था उस गांव की, आग जला के उस गोटुल के आसपास घर होते थे, और उस घर, क्योंकि जानवर कहीं पे भी हमला कर देते थे, घर में उतनी सुरक्षा अच्छे से नहीं थी, गुफाओं में रहना है, तो उसके बाद घर वर जो बनाए उस टाइम पे संरचना विकसित हुई है, व्यवस्था विकसित हुई है, तो उस टाइम पे सुरक्षा के रूप में हम लोग ने इसे यूज़ किया कि गाँव के जितने युवा वर्ग हैं वो जाके उस जगह पे आग जला के थोड़ा बहुत बातचीत करके रात भर जग के उस चीज को जानते थे और सुरक्षा करते थे अपने सभी कबीले की। उसके बाद सेकंड आया, सेकंड क्या, सेकंड स्टेप हम लोग ने ये चरणबद्ध तरीके से सेकंड स्टेप में कदम रखा कि जब हम लोग सुरक्षा के रूप में लेने लगे, लोग बा का भाई रात भर जागना है तो कैसे जागेंगे, तो उसको हमने सांस्कृतिक थोड़ा सा मोड़ दिया। उस जगह पे हम लोग ने गाना बजाना, और उस टाइम पे हमारे जो पांडित कुपार लिंगो हैं और जो हमारे भीमाल पेन हैं, इनके द्वारा भी जो वाद्य यंत्र, जो हमारे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं उस टाइम पे, धीरे धीरे उन लोगों के द्वारा इस चीज को, वाद्य यंत्रों को बनाया गया, उन वाद्य यंत्रों को हम लोग ने गोटुल में स्टार्ट किया, मतलब बजाना, उस जगह पे बजाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सब लोग उस जगह पे गाना बजाना और रात भर जागने की उस व्यवस्था को कंटिन्यू किया। अब वहां पे जब ये चीज होने लगी तो रात में जब बड़े लोग इकट्ठे हो जाते थे तो बच्चे लोग को भी, थर्ड स्टेप जो हमारी थी उस जगह पे यही थी कि उस जगह पे फिर बच्चे लोग को पहुंचाया गया कि आप लोग भी इस चीज को सीखे, क्योंकि आप लोग सीखेंगे तब फिर आने वाली जनरेशन और सीखेगी। तो वो चरणबद्ध तरीके से थर्ड स्टेप में हम गए और वो छोटे बच्चों को उस जगह पे पहुंचाने लगे। फिर वहाँ पे शैक्षणिक काम होने लगे कि जो हमारी बातें होती हैं, शैक्षणिक कार्य हमको बताने लगे और किस तरीके से हमें वहाँ पे शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। चौथा हम लोग ने जो स्टेप लिया वो व्यावसायिक रूप से लिया कि धान को एकत्रित करके रखना, क्योंकि वो एक सुटेबल और सुरक्षित स्पेस हम लोग बनाते थे उस जगह पे, तो धान को जब बरसात के लिए हम लोग उन सब चीज़ों को व्यावसायिक रूप में सब फलों को एकत्रित करने लगे। तो ये हमारे एक चरणबद्ध तरीके की एक स्टेप थी। इसके पश्चात हम लोग ने, अधिकतर हम लोग ने सुने होंगे कि एक प्रकार का गोटुल ही हम लोग अभी तक सुने होंगे, पूरे समय में सिर्फ गोटुल बोल दिया जाता है और उस गोटुल को खत्म कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक गोटुल नहीं है, गोटुल 5 तरह के होते हैं। जिस तरीके से आज हम लोग चरणबद्ध तरीके से शिक्षा अध्ययन केंद्रों में जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा, फिर हाई स्कूल और फिर कॉलेज, तो हमारे भी एक शिक्षा के पूरे केंद्र थे जिन्हें हम लोग 5 स्टेप में जानते थे। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नार गोटुल, मेड़ो गोटुल, परगना गोटुल, गढ़ गोटुल और पर्रो गोटुल, ये 5 गोटुल होते थे। नार गोटुल में एक नार के बीच में होता था, मेड़ो गोटुल जो होता है उस मेड़ो गोटुल में जो होता था वो 2 गांव के बीच में होता था, परगना गोटुल ये एक विस्तृत एरिया में होता था, गढ़ गोटुल एक अच्छे स्पेस में होता था, और पर्रो गोटुल जो होता है वो बहुत बड़े गढ़ के बाद जो विश्वविद्यालय जो आज के हैं उस स्थिति में शिक्षा केंद्र उस टाइम पे, आज 5000 वर्ष पूर्व वो शिक्षा प्रणाली थी। इसके इतिहास अगर आप बोलेंगे कि इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो आज भी छत्तीसगढ़ में गोटुल की व्यवस्था संचालित है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी देखने को कि कैसे तरीके से संचालित होती है। तो इतना सारा जानकारी आपको मैं बता दिया, लेकिन गोटुल में होता क्या है, वास्तविक रूप में क्या होता है, तो इस जगह पे खासतौर से 2 तरह की सदस्यता होती है, स्थायी सदस्यता और प्रारंभिक सदस्यता और स्थायी सदस्यता, 2 तरह की सदस्यता होती है। इसमें खास तौर से हम जानते हैं कि पाना पारसी जो हमारी भाषा है इसे सिखाया जाता है, पेनर्जी, नेंग सेंग, पोरापड्डुम, हमारे पेन पुरखाओं से जुड़ना, शरीर को मजबूत करना, ये एक अलग अलग एक्टिविटी के रूप में जीवन में, यानी मर्मिंग व्यवस्था जो हमारी शादी व्यवस्था होती है उसके पहले तक ये सभी चीज़ें, रेला के माध्यम से कोया पुनेम को जानना, ये सभी चीज़ें उस जगह पर सिखाई जाती हैं। इतना सारा मैंने बताया आपको तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि आज इस तरह के ज्ञान की क्या जरूरत है। तो मैं बताऊंगा कि जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ जो आ गई हैं, हमारे जो वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग देख देख के हम लोग सीख गए हैं या फिर उनके ज्ञान के कारण हम लोग भी उनके तरह कॉपी पेस्ट करने लगे, तो एक तरीके से गलत व्यवस्थाएं हैं जो कि हमें, हम पर हावी हो रही। तो हमें हमारी जो प्राचीन कोयतुरियन संस्कृति है
उसे जानना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, तब जाके हम आने वाले समय पे एक बेहतर मनुष्य के रूप में हम लोग, व्यक्ति के रूप में हम लोग अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में हम गोटुल को कैसे स्थापित करेंगे। तो आज के समय में हम गोटुल को स्थापित इसीलिए करेंगे क्योंकि आज जो हमारा गोटुल है, जो पुरानी प्राचीन समय पे चल रहा है, उसे हम थोड़े डिफरेंट रूप में करेंगे। प्राचीन समय पे सिर्फ नार व्यवस्था के रूप पे, नार व्यवस्था के रूप में हम उसको स्थापित करते थे, लेकिन आज आज हमें एक आज के युग के हिसाब से हमें उसे फुल टेक्नोलॉजी से युक्त एक गोटुल की व्यवस्था करना होगा। इसके लिए हम ही सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आज की व्यवस्थाएं हैं, आप सभी देख रहे हैं कि हम ट्राइब्स के लिए उतना ज़्यादा माहौल या फिर अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होता। तो हमें खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिसमें हम लोग अच्छे रूप से आगे बढ़ सकें, और दूसरे जो कॉन्वेंट के जो बच्चे होते हैं उनको हम हमारी सांस्कृतिक जो हमारी सूझबूझ वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उसके साथ हम लोग उसको कम्पीट कर सकें। तो ये मेरा एक आज का गोटुल का सेशन था। मैं इतना कह के अपना गोटुल का जो हमारा सेशन था इसको बस खत्म करना चाहूंगा। दो लाइन और मैं बोलना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम में, जो हमारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है 13 जून में, जो हमारा 13-14 जून आज का भी कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए हमारे सभी जीएसवी परिवार को मैं सादर सेवा जोहार धन्यवाद कहना चाहूंगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सेवा जोहार, पुरुर जोहार, गोटुल जोहार, धन्यवाद।